नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स। आपको स्वस्थ रखने के लिए आयु ऐप और मिडवे सीकर योगा स्कूल लाया है योगा सीरीज। मैं भामिनी पुरोहित और मेरे साथी ऋतिक सिंह आज आपको बताएंगे योगा आसनों के बारे में। वृक्षासन, द ट्री पोज। वृक्षासन करने से पहले आइए जानते हैं उसके बेनिफिट्स यानी कि लाभ और सावधानियों के बारे में। वृक्षासन के बेनिफिट्स, साइटिका के मरीजों के लिए सबसे अच्छा आसन है वृक्षासन। इट गिव्स अस द सेंस ऑफ बैलेंस, हमारे कॉन्सेंट्रेशन पावर के लिए भी बेहतरीन आसन है। आइए जानते हैं इसकी सावधानियों के बारे में। यह आसन तब ना करें जब इनसोम्निया से ग्रसित हो, यानी कि रात में ना नींद आए तब इस आसन का अभ्यास ना करें। लो ब्लड प्रेशर में भी इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। आइए जानते हैं इसको करने का तरीका। समस्थिति में सीधे खड़े रहें। अब यहाँ से अपने राइट लेग को उठाते हुए लेफ्ट इनर थाई पर सबसे ऊपर की ओर प्लेस करें। जब बैलेंस क्रिएट हो जाए और आपको लगे कि आप अपने हाथ ऊपर उठा सकते हैं, तब अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। अपने शरीर को पूरा ऊपर की ओर खींच कर रखें और शरीर को टेढ़ा ना करें, शरीर बिल्कुल सामने की ओर। एक सिंगल पॉइंट पर फोकस बनाए रखें, आंखों को बंद ना करें, कॉज आंखों को बंद करने से आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। यह है वृक्षासन की स्थिति। फिर से अपने हाथों को ढीला करते हुए नीचे की ओर ले आएं, पैर को जमीन पर रख दें। वृक्षासन दोनों ओर से किया जाता है, आइए इसे करते हैं दूसरी ओर से भी। अब अपने दूसरे पैर को उठाते हुए अपनी दूसरी जंघा पर रखें, श्वास भरते हुए फिर से हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए नमस्कार मुद्रा में आएं। निरंतर श्वास लेते रहें। किसी भी आसन में आपको श्वास को होल्ड नहीं करना है, श्वास निरंतर चलता रहे। श्वास खाली करते हुए फिर से हाथों को नीचे की ओर ले आएं, पैर को जमीन पर रख दें। यह है वृक्षासन। अगर आपको हमारी यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी और आप हमारी योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें, हमारी ऐप डाउनलोड करें और स्क्रीन पर दिए गए कोड से इंस्टेंट डिस्काउंट पाएं।